अगर आप भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें पूरा एंड तक। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि स्क्रूटनी क्या होता है, कैसे आवेदन करें, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल यूट्यूब एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की स्टडी अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्क्रूटनी आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, या आप भी कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री, जिसे लाइक दैट इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि स्क्रूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपको लगता है मैंने पिछले वीडियोज़ में कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री क्या होती है मैंने बता रखे हैं, चलिए फिर भी इस वीडियो में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि स्क्रूटनी क्या होती है, आप कैसे आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस मैंने बताया था कि जैसे आपने बोर्ड एग्जामिनेशंस दिया और आपकी दो सब्जेक्ट बैक हो गई, तो आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस देकर अपनी दो सब्जेक्ट में पास आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो है वो मार्क्स बहुत कम आया है, तो आप अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्क्रूटनी क्या होता है। तो गाइस देखो, स्क्रूटनी का मतलब होता है जैसे आपको लगता है उन त्रुटियों को चेक किया जाता है, जब बोर्ड एग्जामिनेशंस में जब कॉपी चेक की जाती है तो उसमें कुछ छूट गया हो या फिर कुछ गलतियाँ रहा हो, तो उन गलतियों को वापस से, उन त्रुटियों को वापस से चेक किया जाता है, और अगर आपका नंबर बढ़ने लायक होता है तो आपका नंबर को बढ़ाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने एकदम सही आंसर लिखे हैं, बहुत अच्छा नंबर आ सकता था, लेकिन आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में नंबर बहुत ही कम आया है, तो आप अपनी कॉपी को रीचेक में दे करके स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी अपनी कॉपी को रीचेक में दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने सही सही लिखा है, या अगर आपको कॉपी चेक करते वक्त बोर्ड एग्जामिनेशंस में कोई भी नंबर छूट गया हो, कोई भी क्वेश्चंस के आंसर चेक करना छूट गया हो, तो वो चेक हो जाता है और सही हो जाती है, और फिर से आपको कुछ नंबर बढ़ाए जाते हैं। तो स्क्रूटनी करने का एक फ़ायदा यह होता है कि हो सकता है कि आपके द्वारा जो कॉपी चेक नहीं किया गया हो सही से, तो वो अच्छे से चेक हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर बढ़ भी जाए। हो सके आपने आंसर सही लिखा लेकिन स्पेलिंग बहुत सारी आपकी मिस्टेक है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसमें नंबर घट भी सकता है। तो गाइज, अगर आप भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो, क्योंकि बिहार की स्क्रूटनी के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 29 मार्च को है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज। इसी प्रकार की स्टडी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।